पाकिस्तान दे वल्लो हमेशा भारत देश दी जवानी नू बर्बाद करन दियां कोशिशां कीतियां जांदियां ने, पर भारत दे वल्लो हमेशा इना कोशिशां नू नाकाम कर दिता जांदा है। अज डेरा बाबा नानक रावी दरिया दे राही पाकिस्तान वल्लो पाइप दे विच हेरोइन दे 60 पैकेट छुपा के पाइपां नू ब्लैडर बन के रस्सी दे राही भारत भेजिया जाना सी, पर भारत दे वल्लो हमेशा दी तरह बीएसएफ दे वल्लो इस साजिश दा पर्दाफाश कर दिता गया। जानकारी दिंदिया बीएसएफ दे डीआईजी राजेश शर्मा ने मीडिया नु जानकारी दिंदिया दस्या है कि पाकिस्तान दे वल्लो डेरा बाबा नानक स्थित रावी दरिया दे राही प्लास्टिक दे पाइप दे विच्चों 60 पैकेट हेरोइन दे पा के पाइप दे नाल ब्लैडर बन के पाकिस्तान दे वल्लो भेजिया जा रहा सी, जिस दा उन्हां नू पता लगा ते उन्हां ने पर्दाफाश कर दिता है। सो इस मौके ते डीआईजी ने होर की कहा, आओ सुनदे हां। कल रात को 2:45 के करीब हमारी 10 बटालियन की जो पोस्ट है नांगली घाट, उसमें हमारे आजकल देखा होगा कि बीएसएफ हमेशा 24 घंटे ही अलर्ट रहती है, और रात के समय में कल मौसम ख़राब था, नदी में पानी भी ज़्यादा था, तो अलर्टनेस हमने थोड़ी और ज़्यादा रखी हुई थी। तो हमारी जो सेंट्री ड्यूटी पे था उसने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखा नदी में, तो नदी में पानी का बहाव भी तेज़ था और रात भी थी, तो वो थोड़ा उसमें उसको सस्पिशन लगा, तो उसने अपने साथियों को बताया कि मुझे कुछ सस्पिशन लग रहा है इस तरफ। तो बाद में जाके जो उसमें देखा गया, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक कपड़े के पाइप सा बना के उसके अंदर हीरोइन के पैकेट रख के उसको जो फुटबॉल या वॉलीबॉल का ब्लैडर होता है हर पैकेट को उसमें बांध के, जिससे कि वो डूबे ना, और जलकुंभी में छुपा के उसको उसमें पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया था। उसको करीब कोई 1.5 किलोमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था और उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान साइड से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये जब ये दिख गई, वो सस्पिशन हो गया, तो उसके बाद फिर बोट का हमारी जो बोट पार्टी है उन्होंने जाके उसको रिकवर किया। रात को अंधेरे में उससे वो रस्सी टूट गई थी, लेकिन लेके आए हैं। उसके बाद हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे कमांडेंट साहब वगैरह सब वहाँ पहुँच गए थे, और जब उसको देखा गया खोल के, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स है बीएसएफ का, 60 kg एक टाइम में। अभी अप्रॉक्सीमेट है एनसीबी को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सैम्पलिंग होगी और सही वेट पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा अभी प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि ये बीएसएफ का सबसे बड़े सीजर्स में से एक है। गुरदासपुर तो अवतार सिंह दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल, ब्यूरो रिपोर्ट दा टीवी एनआरआई।